आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे एडमिशन लेने में या फिर यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहे वीडियो के एंड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ महक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई कॉलेज बडी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के बारे में, तो आइए शुरुआत करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड Whenever we post a new video. चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 2018। इट इज अप्रूव्ड बाय यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, NIRF etc. NAC accreditation की बात करें तो इट हैज अ NAC accreditation विद ग्रेड A++ विच इज द हाईएस्ट accreditation बाय NAC एंड इट गिव्स द एक्सेप्शनल स्टेटस टू दोस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और वो कौन कौन से हैं, दैट इज इमर्जिंग बिजनेस स्कूल ऑफ द ईयर फॉर रिसर्च इन द ईयर 2023, नेक्स्ट वन इज बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज इन वेस्ट इंडिया इन ईयर 2022 etc. साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी को बहुत सारी रैंकिंग भी मिली हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस यूनिवर्सिटी को काफी सारी रैंकिंग भी मिली हुई है और वो कौन कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। पहला है 6th इन द वेस्ट जोन एंड 15th इन इंडिया अमंग बेस्ट 20 schools in private universities by IIRF New Delhi. Phir hai 11th among the top 50 private institute across India by Times B School Ranking etc. aur bhi bahut sari ranking mili hui hai is university ko. Inke vision ki baat kare to their vision is to create a vibrant learning environment fostering innovation and creativity, experiential learning which is inspired by research and focuses on regionally, nationally and globally relevant area. This university has recently became operational as a state private university and has rolled out with a fundamental mission of covering a remarkable milestone in the history of higher education in India. ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज कराती है इंक्लूडिंग देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डॉक्टरल प्रोग्राम्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज एज वेल। सभी के बारे में जानेंगे वीडियो में आगे, तो मेरे साथ जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में करवाता है BBA, BCA, BJMC, BTech etc. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कराता है MBA, MCA, MSc etc. फिर आते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम्स। डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी कराता है, उसमें कराता है PhD। फिर आता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज, और इन सभी कोर्सेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग देयर स्पेशलाइजेशन, फीस, एलिजिबिलिटी सभी आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो की दी हुई है, तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को वेरियस वेबिनार, सेमिनार्स, इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करता है और इसी से स्टूडेंट्स को एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और एज अ रिजल्ट उनकी स्किल्स भी डेवलप हो पाती है। अब आगे और जान लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। दिस यूनिवर्सिटी हैज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट सेल। प्लेसमेंट सेल इज अ सेंट्रल फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डॉक्टर टीवाई पाटिल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स व्हिच हेल्प्स एंड गाइड स्टूडेंट्स टू बिल्ड करियर प्रोस्पेक्ट्स इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द कैंपस वेयर ट्रेनिंग एज वेल एज प्लेसमेंट एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट द ईयर विद अ व्यू टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स understand industry expectation from freshers and thus became industry ready. जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट सेल है वो इतना अच्छा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को वेरियस प्लेसमेंट एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है ताकि आगे जाके उनको अच्छी जॉब मिल पाए। और बेसिकली इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है और एज अ रिजल्ट उनकी स्किल्स भी डेवलप होती है, जो कि एज एन इंडिविजुअल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इनके एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो उनका एवरेज सैलरी पैकेज रहता है 5-6 lakh पर एनम। इसी से हम इनके हाईएस्ट सैलरी पैकेज का अंदाजा भी इजीली लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं इनके फैकल्टी के बारे में। दिस यूनिवर्सिटी बोस्ट्स अ डाइवर्स एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स विद एक्सपर्टाइज इन वेरियस डोमेन्स। द फैकल्टी मेंबर्स आर डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड फॉस्टरिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। सम ऑफ द फेमस फैकल्टी मेंबर्स आर प्रोफेसर प्रभात रंजन, डॉक्टर अदिति शर्मा, डॉक्टर अनुराधा पाटिल etc.
अब जान लेते हैं इनके रिक्रूटर्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं सभी यूनिवर्सिटी में कंपनियां आती हैं फॉर रिक्रूटमेंट पर्पस, उसी तरह से डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं फॉर रिक्रूटमेंट, एंड सम ऑफ देम आर टाटा मोटर्स, HDFC, Quikr.com, एक्सिस बैंक, अमूल इंडिया एटसेट्रा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना डॉक्टर डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं जल्दी आपको मिलूंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम और कोर्स, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल एंड विल क्लियर ऑल योर क्वेरी।